करके तालियां बजाए बोले सतगुरुदेव भगवान की। बोलो स्वागतम गुरु ने शरणागतम गुरु ने। 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 प्रार्थना गुरु ने वंदना गुरु ने। प्रार्थना गुरु ने वंदना गुरु ने। स्वागतम गुरु ने शरणागतम गुरु ने। प्रार्थना गुरु ने वंदना गुरु ने। परमेश्वर प्रार्थना गुरुदे वंदना गुरुदे। प्रार्थना गुरुदे वंदना गुरुदे। स्वागतम गुरुदे शरणागतम गुरुदे। प्रार्थना गुरुदे वंदना गुरुदे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अपवित्र हो पवित्र हो वाम सर्वावस्थां गतो पिवहे स्मरेत पुण्य क्षम सवैभ्यंतरः शुचिः। बोलिए भागवत भगवान की जय। बड़ी श्रद्धा के साथ मां भगवत जी की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हो हो हो। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
सतपथ खोलिया मधुर बोल सतपथ खोल सन मार्ग बताने वाला जिंदगी को बनाने वाला सन मार्ग बताने पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती अपने दोनों हाथों पर तालियां बजाते हैं सभी सपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांत मौन आज होली के पावन उत्सव में इस पावन बेला में पूजनीय मां के सानिध्य में सब विराजित होकर के ब्रह्मचर्चा ब्रह्मज्ञान का सत्संग सभी सुनने को मिल रहा है। सभी को ऐसा सानिध्य जहां संसार का रंग और परमात्मा का रंग दोनों को अलग अलग दिखाया जाए कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है, क्योंकि कहा कि उमा राम स्वभाव जही जाना और ताही भजन तजी भावना आना। एक बार संसार को जान लिया तो संसार से आसक्ति नहीं होगी, और एक बार परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा से कभी भी विरक्ति, परमात्मा से कभी भी त्याग, परमात्मा से कभी भी छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा हमें रमने लगेगा। क्या कहा? सतगुरु वह जो संसार का रंग उतार दे और परमात्मा के रंग को चढ़ा दे। ऐसी ही इस होली की बेला में ऐसे परम सतगुरु का सानिध्य सबसे बड़ा सौभाग्य। सभी डूबे वंदना में और समर्पित करें मां के चरणों में। सतगुरु तो रंग रेज है और भर पिचकारी देत और जीवन में रंग डार के ब्रह्म भाव भर दे। हम भी उस परम रंग में रंगे। मेरा सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी चुनर मोरी रंगदारी। मेरा सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी चुनर मोरी रंगदारी। धोए से
रे बोरी रंग धारी रंग धारी सतगुरु ने मोरी चुनर रंगी रे सतगुरु ने मोरी चुनर रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान हो सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ उन पे वारे तूने सब कुछ उन पे वारे तूने तन मन धन और प्राण चुनर मोरे रगड़ारी चुनरे मोरी रगड़ारी रगड़ारी मोरा सतगुरु ने रंगे रे चुनरे मोरी रगड़ारी कुंड में नेह के जल में आह के कुंड में नेह के जल में प्रेम में रंग नहीं बो प्रेम में रंग नहीं बो जस की चास लगी मोरे सतगुरु जस की चास लगी मोरे सतगुरु खूब रंगी छक झोर चुनर मोरी रगड़ारी बेटारी चुनर मोरी सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंग डारे कहीं कबीर रंग रेज गुरु जी सतगुरु उर करे शब्द की चोट अर मारे गोला प्रेम का उर हरि भरम की खो कबीरा सब जग निर्धना उर धन बंदा और धन बंदा सुई जानिए जा सत्य नाम धन होए चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी
कहे कबीर रंग रेज गुरुजी, कहे कबीर रंग रेज गुरुजी, मुझ पर हुए हैं दयाल हो, मुझ पे हुए हैं दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ के में, शीतल चुनरी ओढ़ के में, मगन हुई निहार चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी, चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी, मोरा सजगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी रंगदारी, चुनर मोरी। ऊपर हाथ करके तालियां बजाते हुए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम विश्वानुदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांतिः शांति शांति। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। परमात्मा हमारे अज्ञान को दूर करे, हमारी अविद्या को दूर करे, हमारी महत्व आकांक्षाओं को दूर करे, हमारे अहंकार को दूर करे, ताकि जो परमात्मा हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, उन परमात्मा का हम साक्षात्कार करें या अनुभव करें या दीदार करें। परमात्मा परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, लेकिन हमें तो उनके रास्ते में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना है। या तो हम अपने दुखों को दूर कर ले तो भी वो मिल जाएगा, या अपने और उनके बीच की जो बाधाएं हैं उसे दूर कर ले तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, या सीधा परमात्मा के हवाले हो जाएं, उनको समर्पण कर दें तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, जैसा आपको सुलभ लगे। एक बार एक बिटिया की शादी हो गई। शादी हुई, ससुराल गई, उसको ससुराल में मुंह दिखाई में उसकी सास ने एक नथ दी, नाक में पहनने की नथ। वो बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब आनंदित हो गई। ओहो, मुझे मेरी सास ने सोने की
नथ दी है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, काश अगर मेरे पति अच्छा कमाने लगे तो मुझे इससे भी बड़ी नथ लाके दे सकते हैं। तो उसे ये इच्छा थी कि मुझे इससे भी बड़ी नथ मिले, और ये हम सबकी परेशानी है। परमात्मा ने जो हमें दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे हमारा लोभ बढ़ता जाता है। जो दस बीस पचास भय सत होई हजार तो लाख लगेगी, कोटि अरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करी हूं तृष्णा अति अघ की आग लगेगी। कह सुंदर संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न भगेगी। दस होंगे तो बीस और बीस होंगे तो सौ हो जाए, सौ होंगे तो हजार हो जाए, और हजार है तो लाख हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, और करोड़ है तो अरब हो जाए। यानी ये जो इच्छा है ये बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, संतुष्ट होता ही नहीं है व्यक्ति। इसलिए अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो बताया है संतोष धन। इसका मतलब ये नहीं है कि पांच रुपए मिल गए तो संतोष कर लो, मतलब ये नहीं है। पूरी मेहनत करने के बाद, सुबह से शाम तक दुकान पे रहने के बाद, परमात्मा फिर जो देता है बस उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इसके मन में आया, काश मेरा पति और ज्यादा कमाने लगे और ज्यादा लाभ होने लगे तो मुझे इससे भी बड़ी नथ ला सकते हैं। भगवान ने सुन लिया, उसकी पुकार को सुन ली भगवान ने, उसके पति का धंधा और ज्यादा अच्छा हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को बड़ी नथ लाके दे दी। बड़ी खुश हो गई वो कि मुझे तो बड़ी नथ मिल गई है। लेकिन दो चार महीने हुए और फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पति का बिजनेस और बढ़ जाए, धंधा और बढ़े, दूसरे जिले में उनका सामान और माल जाने लगे, ताकि कमाई बढ़े तो मेरे को और बड़ी नथ बना देंगे। भगवान ने वो भी सुन ली। कभी कभी तो भगवान सुनता ही चला जाता है ना, सफलता फिर सफलता फिर सफलता फिर सफलता मिलती ही चली जाती है। और ध्यान देना, उसके पीछे भी हमारा कर्म होता है। सफलता मिलना या असफलता मिलना, या किस समय में परमात्मा हमारी कैसी बुद्धि बना देता है, अगर हमें लाभ मिलने का हो तो हम माल खरीद लेते हैं, और यदि नुकसान होने का हो तो माल पहले ही बेच दिया, दो दिन पहले बाद में भाव बढ़ गया। यानी हमारे कर्मों के अनुसार हमारी बुद्धि बन जाती है, उसी के अनुसार हमारा लाभ और हानि होता है। खैर, ये जितनी भी बात संसार की जाती है, अभी आपने सुना था यहाँ एक विषय संसार का चलता है और दूसरा विषय परमात्मा का चलता है। यानी आपको शरीर के तल से बाहर रहना है, बाहर जीना है, और अनुभूति के तल से आपको अंदर रहना है। अंदर आप कहोगे अंदर कैसे रहें? ये आपको किसी गुरु के पास बैठ के सीखना होगा कि अंदर कैसे रहें। बाहर जीना तो हमें आ गया, लेकिन अभी अंदर रहना हमें नहीं आया है। और जितना खजाना है, जितना अमृत है, जितना आनंद है, वो सब अंदर है। जैसे एक अंडा फोड़ दिया तो उसमें से अंडे का फूटना, अंडे की मौत, अंडे का मरना, और एक जीव का जन्म लेना,
उसमें से तुरंत एक जीव का जन्म हो गया। इसी तरह से एक अंदर की मौत होती है। जिंदगी का अगर आपको भरपूर मजा और आनंद लेना है तो एक बार मौत का प्याला जरूर पी लेना। उन्होंने कहा माता जी कि आप मारने के लिए बेटी हमें बाहर से नहीं करना, ऐसा शरीर के तल पे मत मर जाना, नहीं ये व्यक्तित्व वाली बात है। जब अंदर से अंदर का व्यक्तित्व मर जाता है, इच्छाएं कामना खत्म हो जाती है, संकल्प विकल्प विदा हो जाते हैं और ऐसी खाली स्थिति होती है, उसका नाम है अंदर की मौत। तो जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए एक बार मौत का प्याला पी लेना चाहिए। और सभी के अंदर एक भय बैठा है और वो भय है मौत का भय। सभी को एक डर है और वो डर किस बात का है? मरने का सबको डर है। और रोज रोज मरने से, यानी सांप के डर के कारण रोज रोज मरो, इससे तो अच्छा है कि सांप के पेट में उतर जाओ, एक बार उतर जाओ। रोज रोज मरने से क्या फायदा? शूरवीर एक ही बार जन्म लेता है और जीवन में एक ही बार मरता है। और कायर आदमी जन्म तो एक बार लेता है लेकिन मरता हजार बार है। वो दिन में ना पता नहीं कितनी बार मरता है कायर। इसलिए ये है आध्यात्मिक चर्चा। और कैसे मरे? तो अंदर में किस ब्रह्म का जन्म होता है, ये कला आपको जो 9 से 11 ध्यान साधना शिविर है, जिसे भी समझना हो वो शिविर में आ सकता है। और वो है आस्था में। तो ध्यान दे, इसने फिर परमात्मा से प्रार्थना की, मेरे पति की कमाई और बढ़ जाए ताकि मुझे और बड़ी नथ मिल जाए। भगवान ने तीसरी बार फिर सुन ली। उसके पति की खूब आमदनी बढ़ गई, खूब पैसा कमाने लगा, उसे और बड़ी नथ बना दी। अरे बड़ी खुश हो करके, बड़ी भागी भागी मोहल्ले में घूमती है और सबको दिखाती है, देखो मेरी कितनी बड़ी नथ है। अधिकतर हम मकान है या गाड़ी है, साड़ी है, अधिकतर हम दिखाने के लिए पहनते हैं। कोई बिरला होता है जो आवश्यकता के लिए पहनता है, बाकी दिखाने के लिए। दूसरी बात है, अच्छी बात है, आपको बताया भी था कि कपड़े अच्छे पहनना, क्योंकि संसार वाले तुम्हें बाहर से देखेंगे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जितने अच्छे तुम बाहर से लगते हो उतने अच्छे तुम भीतर से भी हो जाना। बस जिसका जीवन और जवान दोनों समान हो गई है, जिसका जीवन और जवान यानी वो जैसा बोलता है वास्तव में अंदर से वैसे ही है, ऐसा उसके जीवन से दिखना चाहिए, ऐसा एक हो जाए, अंदर से अच्छे हो जाए। कोई बात जब बार बार आती है, रोज रोज आती है, तो समझ लेना बात बड़ी वजन की है। इस संसार के लिए बाहर से सुंदर बनो। एक बार गांधी जी किसी को लेकर के, शायद रविंद्रनाथ टैगोर थे या महर्षि थे, जो भी थे, सार बात से मतलब रखना चाहिए, घूमने जा रहे थे। तो गांधी जी तो जल्दी से, समय हुआ, समय के बड़े पाबंद थे, समय हुआ और अपना नीचे उतर के आ गए। और जो साथ जाने वाले थे उन्होंने देर लगा दी, थोड़ी सी देर लगा दी। थोड़ी देर के बाद नीचे उतर के आए तो गांधी जी ने पूछा, क्या कितनी देर लगा दी आपने? बोले मैं कंघी कर रहा था। कंघी? अरे बुढ़ापे में क्या कंघी कर रहे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जो भी होगा भैया, नाम का जो भी फर्क हो, आप तो खास बात से मतलब रखना। उन्होंने कहा, मैंने कंघी इसलिए नहीं की है कि मैं कोई सुंदर दिखूं,
लेकिन लोग मुझे देखे तो कहीं उनका मन खराब नहीं हो जाए। जो कोई मुझे देखे तो देख करके उसका मन खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने तेल कंघी की है। कितनी प्यारी बात बोली, यानी इतने भी गंदे मत रहो, ऐसे भी मत रहो कि किसी का मन खराब हो जाए देख करके। ये आवश्यकताएं हैं, इसलिए जरूरत महसूस करो संसार की और इच्छा केवल परमात्मा की करो। यहां की इच्छाएं ज्यादा करोगे दुखी हो जाओगे, ज्यादा महत्व आकांक्षाएं रखोगे दुखी हो जाओगे। अब ज्यादा महत्व आकांक्षा जब बढ़ती है तो क्या होता है, चौथी बार इसने फिर प्रार्थना करी भगवान से कि मेरे पति का कारोबार और बढ़ जाए ताकि और बड़ी नथ ला दे। तो फिर भगवान ने सुन ली और कारोबार बढ़ गया, पति ने और बड़ी नथ ला दी, लेकिन नाक चिर गई, कट गई नाक। अब तो छोटी सी नथ भी नहीं पहन सकती है। आपको समझ में आया कि हमारी जो महत्व आकांक्षाएं हैं ये बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ती है कि हमारा विवेक ही हमारे पास नहीं रहता है, और ये अच्छे के बदले लाभ के बदले नुकसान में बदल जाती है। इतना हमें विवेक सत्संग से लेना है, लेना है। एक बार विंध्याचल ने सूर्य भगवान से कहा कि मेरी परिक्रमा लगाओ, सूर्य भगवान से कहा। सूर्य भगवान ने कहा मैं किसी की व्यक्तिगत परिक्रमा नहीं लगाता हूं, मैं तो सारी समष्टि की परिक्रमा लगाता हूं, मैं नहीं लगा सकता तुम्हारी व्यक्तिगत परिक्रमा। तो विंध्याचल ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं बढ़ना शुरू कर दूंगा और इतना बढ़ूंगा कि तुम्हें आड़ कर दूंगा, आड़ इतना बढ़ूंगा। उनने कहा आप जो भी करें आप, लेकिन मैं किसी की व्यक्तिगत परिक्रमा नहीं कर सकता, मैं समष्टि की परिक्रमा करता हूं। तो विंध्याचल बढ़ने लगा, बहुत ऊंचाई को छूने लगा। आखिरी में विंध्याचल वहां तक पहुंच गया कि सूर्य का प्रकाश दूसरे तरफ गिरना पूरी सृष्टि में बंदी हो गया, अंधकार हो गया, हाहाकार हो गया, तबाही मच गई, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, सारे देवता घबरा गए, ये क्या हुआ है, सूर्य को किसने रोक दिया, उसके प्रकाश को किसने रोक दिया पृथ्वी पे आने से, हाहाकार हो गया। सारा हाहाकार स्वर्ग लोक में पहुंचा, सारे देवताओं में भगदड़ मच गई, सारे देवता चिंतित हो गए। उन्होंने कहा हो क्या रिया है, बोले वो विंध्याचल है ना, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा, कोई की मान ही नहीं रहा। सारे देवता मिलकर के जो विंध्याचल के गुरु थे अगस्त ऋषि, उनके पास गए, बोले आपके शिष्य को समझाइए, कोई भी गलत काम करोगे ना तो गुरु को आंच आएगी, याद रखना। यानी आज ही दीक्षा हुई थी कि गुरु जब दीक्षा देता है तो हमारा ना जाने कितना पाप लेता है और अपनी तपस्या का अंश देता है और हमें दीक्षा के काबिल बनाता है, और उनसे जुड़ने के बाद भी हमारा पाप अगर चालू रहता है तो उसका 6% गुरु को भोगना रहता है। ये आसान काम नहीं है, है? सारे देवताओं ने शिकायत की अगस्त ऋषि से, आपके शिष्य को समझाइए वो प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ रहा है। आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे वो सृष्टि का नुकसान करने को भी उतावला हो जाता है। ये क्या है जो विंध्याचल बढ़ता चला जा रहा है, ये क्या है, महत्वाकांक्षा। बढ़ो लेकिन किसी को मिटा के, और जब तुम किसी को मिटा के आगे बढ़ोगे तो याद रखना स्वयं मिट जाओगे। लेकिन व्यक्ति की महत्व आकांक्षा है मैं बड़ा हो जाऊं और सबको मिटा दूं,
तो सारे देवता ने जब अगस्त ऋषि से बोला तो अगस्त ऋषि अपने शिष्य के पास में आए और विंध्याचल से कहा, कहानी जैसे ही गुरुदेव आए तो विंध्याचल ने प्रणाम किया अपने गुरुदेव को, साष्टांग प्रणाम किया। और जब साष्टांग प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि ने कहा, विंध्याचल मुझे दक्षिण में जाना है और जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक तुम इसी स्थिति में रहना। तो विंध्याचल आज भी आड़ा पड़ा है और बूढ़ा हो गया है। विंध्याचल आड़ा पड़ा है आज भी और बूढ़ा हो गया है, क्योंकि अगस्त ऋषि आज तक उधर से दक्षिण से लौट करके आए ही नहीं। तो जो दूसरे को कुचल करके और अपनी महत्वाकांक्षाओं को जब बढ़ा लेता है और लोगों को ये बताना चाहता है, उन्हें कहा, देखो दुनिया वाले देखना, जरा मेरी तरफ देखो, मैं हूं कौन। सारी ऊर्जा लगा देता है अपनी, काय के लिए लगा रही है ऊर्जा, ये दुनिया वाले देख लें कि आखिर मैं भी कौन हूं। और जिनके मन में इस प्रकार की महत्व आकांक्षा होती है उसकी दशा विंध्याचल जैसी हो जाती है। जितना ऊंचाई पे चढ़ना चाह रहा था उतना नीचे पछाड़ खा के गिर गया और नीचे आ गया। अगर उसने सारी ऊर्जा अपने को बड़ा बनाने में, अपने को बड़ा दिखाने में लगाई, अगर वो ऊर्जा, पूरी ऊर्जा कहां लगा देता, मैं कौन हूं, वहां लगा देता, दुनिया वाले देख लो मैं कौन हूं, इसके बजाय मैं कौन हूं अपने को जानने में वो ऊर्जा लगा देता तो निहाल हो जाता, निहाल हो जाता। परमात्मा को पाने वाला आत्मज्ञानी धरती पे निहाल हो जाता है। ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति नाच उठती है, नाचती है जब कोई ब्रह्म ज्ञानी होता है, जब कोई आत्मज्ञानी होता है। इसलिए आप ये भौतिकता की, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम आगे मत बढ़ना, तुम आगे को बढ़ते देख करके आगे बढ़ना। लेकिन आज क्या होता है कि प्रति स्पर्धा के कारण धीरे धीरे उसकी बराबरी नहीं कर पाता है आदमी, तो प्रतिद्वंदिता में बदल जाती है। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता में बदल जाती है, एक संघर्ष चालू हो जाता है और फिर वो बड़ा बनने के लिए हथकंडे करता है। लेकिन नाकाम रहेंगे जो परमात्मा के प्रतिकूल चलेगा तो उसके सारे हथकंडे नाकाम हो जाएंगे। सफलता दुनिया में भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितनी योग्यता है उतना ही जरूरत को महसूस करो, ज्यादा इच्छाएं मत बढ़ाओ, ज्यादा महत्व आकांक्षाएं मत बढ़ाओ, क्योंकि दुखी कर देगी आपको ये चीजें। जब से हमें पता चला है गीता के अंदर कि जीवनम सर्वभूतेषु, हे अर्जुन सब भूत प्राणियों के अंदर में जीवन में हूं, जिस दिन से हमें इस बात का पता चला है तभी से हम जीवन की कथा करते हैं, और कथा करना हमें आता भी नहीं है। जीवन अगर भगवान है, मैं जीवन की ही कथा करती हूं। इसलिए आपको बड़ा अटपटा लगता होगा सुनने में, ये कौन सी कचरे कूटे की बातें करती है, इनको सीधी सीधी कथा करना चाहिए, राम और कृष्ण की कथा करना चाहिए। लेकिन मैं राम और कृष्ण की ही कथा करती हूँ, क्योंकि गीता में अगर कहा है कि जीवनम सर्वभूतेषु, अगर जीवन में हूं तो ये जीवन की ही कथा है, ये जीवन की कथा है। हमें क्या करना है ये वो कथा है। इसलिए ज्यादा अंधे मत बनो, अहंकार आपको बुद्धि को उलट देता है। अहंकारी व्यक्ति की बुद्धि उलट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसलिए ध्यान दें, जीवन में ऐसे सजग रहें, अंदर से जागे हुए रहें, कब अहंकार ने पकड़ लिया है, कब क्रोध ने पकड़ लिया है, कब काम ने पकड़ लिया है, कब महत्वाकांक्षा ने पकड़ लिया है। इसका मतलब जागरूक, जिसके घर में दिया जल रहा है और जो जाग रहा है, चोर आने की कम संभावना है। ऐसे हम अंदर से जागे रहें, अपने प्रति, दूसरों के प्रति नहीं, पड़ोसी की यहां क्या हो रहा है, और पड़ोसी की पत्नी उसको छोड़ के चली गई है, ऐसी रुचि लेते हो जैसे ब्रह्म ज्ञान हो रहा उस समय तुम्हें। किसी दूसरे के बारे में जब तुम्हें बात सुननी है
तो इतने ज्यादा रुचि लेंगे हम, ऐसे रुचि हमें यहां लेना है। एक बात, आज का सूत्र अहंकार बुद्धि को उलट देता है, इसलिए इसे प्रवेश मत कर देना, दरवाजे बंद रखना। जब भी आने की कोशिश करे दरवाजे बंद करना। और जब ये आता है नी, पूरी मंडली के साथ आता है, सबको ले आता है। ये अहंकार आ गया नी तो सबको साथ में ले आएगा, अपने साथियों को, आदत है इसकी। और दूसरी बात, महत्वाकांक्षा, खूब आगे बढ़े आप, बाहर से आप राजा महाराजा बने, बहुत अच्छा लगेगा देख करके, लेकिन भीतर से तो आपको सुखदेव जी महाराज बन के रहना है, भीतर से तो बिल्कुल निर्लिप्त रहना है, असंग रहना है, कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे रहना, बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। परमार्थ की बात अलग है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोही ना आवे लाज। अगर समाज का कल्याण मांगने के लिए भगवान गए, लेकिन भगवान को भी छोटा बता दिया, मांगने से छोटा हो जाता है, लेकिन सवाल जब समष्टि का होता है, सृष्टि का होता है, जन कल्याण का होता है, फिर वहां छोटा और बड़ा कुछ होता ही नहीं है। अपने आप को मिटा के चलना पड़ता है वहां, तो अपने आप को मिटा के चलना पड़ता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए वो बात एक अलग है, परमार्थ की बात अलग है, लेकिन जो हमारा साधक का जीवन है, वो जीवन ऐसा हो जाए हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे रुई हल्की होती है, हवा उड़ा ले जाती है, तिनका हल्का होता है, हवा उड़ा ले जाती है। तो किसी ने प्रश्न किया कि रुई हल्की होती है, तिनका हल्का होता है, और जो मांगता है वो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है मांगने वाला। मांगना गदाई है और कुछ मांगना खुदाई है, और कुछ नहीं मांगना शाहनशाही है, शाहनशाही, बादशाही। हाँ, जैसे बुराइयों का बादशाह अहंकार है, नीच कर्मों का बादशाह, सूत्र याद रखना, नीच कर्मों का तुमसे नीच से नीच काम करा ले, नीच कर्मों का बादशाह अहंकार है। और जिसके अंदर अहंकार खत्म हो गया वो स्वयं का बादशाह बन गया, वो तीनों लोकों का बादशाह बन गया, वो आत्मा के सिंहासन पे बैठ गया, वो ऐसी बादशाही है। फर्क तुम ही करके देख लेना, और फिर जैसा अच्छा लगे वैसा करना। तो किसी ने कहा कि हवा तिनके को उड़ा देती है, रुई को उड़ा देती है, तो मांगने वाला तिनके और रुई से भी हल्का हो जाता है, तो उसे क्यों नहीं उड़ाती है हवा? तो उत्तर दिया गया कि हवा उस मांगने वाले को इसलिए नहीं उड़ाती है कि कहीं वो उससे भी नहीं मांग बैठे। हवा उड़ा के ले जाए उसे, और उसके पास अगर वो जाए तो कहीं उससे ही ना मांग बैठे। आदत होती है लोगों की, कई की आदत होती है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं कर रही हूं, मैं तो एक मार्गदर्शन बता रही हूं आपको, क्या मांगना, मांगने वाला बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल बादशाही में जियो। तुम्हें क्या चाहिए परमात्मा व्यवस्था करेगा तुम्हारी, एक बार चमत्कार तो देखो उसका, उसके हवाले होके तो देखो। चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। जब ऐसी बात निकलती है तो तुम्हें आलसी और निठल्ले बनाने वाली बात नहीं है, तुम चिंता से मुक्त हो जाओ, टेंशन से मुक्त हो जाओ, इसके लिए ऐसी बात निकलती है। निर्भार जीवन हो जाए आपका, सारा भार परमात्मा के ऊपर छोड़ो, तुम भगवान की ट्रेन में बैठे हो, और ट्रेन में बैठे हो और अटैची सिर पे रखे हो तो मूर्खता है। हम परम सत्ता के ट्रेन में बैठे हुए हैं, सब सारा भार उसी के ऊपर है, लेकिन हमने अपने ऊपर लाद रखा है, ये हमारी मूर्खता है। और मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते,
अरे ब्रह्मा जी आ जाए तब भी समझने वाला नहीं। दो आदमी कभी नहीं समझते हैं। मूर्ख इसलिए नहीं समझता है कि उसमें समझ है ही नहीं। मूर्ख यानी मुर्दा, और दूसरा अहंकारी को कोई नहीं समझा सकता है। अहंकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि बुद्धि उल्टी हो चुकी उसकी, किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए मूर्ख को और मुर्दे को इन दो को ज्ञान नहीं दे सकते। एक है मूर्ख, एक है मुर्दा। मुर्दा यानी मर चुका। तुम बाहर से ही मत समझना, बाहर से ही मरना होता है। आदमी भीतर से भी मर चुका होता है। धृतराष्ट्र को ऐसे मत समझना कि ये बाहर की आंख से अंधा है। अरे वो भीतर के हृदय की आंख है, नहीं वो भी नहीं उसके पास, वो भी फूटी हुई है, वो भी नहीं है। वो हृदय की आंख से भी अंधा है। कई को तो हृदय में दिखाई देता है। अभी हम एक कहीं जा रहे थे, एक अंधा चला आ रहा अंधेरी रात में। हम गाड़ी से थे, रात का प्रोग्राम करके जा रहे थे। मेरे को दिखाया लोगों ने, बोले माँ इसे आंख थोड़ी है, देखो कैसा जा रहा है। अरे मैंने कहा इतने अंधेरे में? बोले हाँ माँ ये घर पहुंच जाएगा। क्यों? हृदय में प्रकाश है जिसके, वो बाहर से भले ही अंधा है। और कोई बाहर और भीतर दोनों जगह से अंधा है, वो धृतराष्ट्र वाले। इसलिए यहाँ आंखें भी खोली जाती है, यहाँ पट्टी भी छोड़ी जाती है, और यहाँ भीतर का प्रकाश मिलता है, अंदर का प्रकाश मिलता है। और जब अंदर का प्रकाश मिलता है, उस व्यक्ति को सब दिखाई देने लगता है। जो भीतर बैठा है परमात्मा, वो भी दिखाई देता है। और हम में क्या कमियां और गलतियां हैं, वो भी दिखाई देती है। इसलिए ध्यान देना, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन कम मिलता है। और जो दूज का चंद्रमा होता है, उसका लोग दर्शन करते हैं, दूज के चंद्रमा का। क्यों? पूर्णिमा के चंद्रमा में धब्बा दिखता है, धब्बा। और जो दूज का चंद्रमा होता है, उसमें धब्बा नहीं दिखता है, उसमें धब्बा नहीं होता है। ऐसा गुणी बनना है। तुम छोटे से इंसान रहो, दूज के चांद की तरह रहो, लेकिन गुणी रहो। तुम बहुत बड़े बन जाओ और फिर धब्बे लगे रहे तो क्या फायदा है? कलंकित होकर के, बदनाम होकर के बड़े बनोगे तो क्या फायदा है? लेकिन कैदी भी मेरे से बोलते हैं, खोल भाई अब आवाज, गले ही खत्म कर दिया। ओम, अब आई आवाज। कैदी कहते हैं मां तू पहले क्यों नहीं मिली? और जो अब हम कर चुके हैं, जो कारना में कर चुके हैं, जो गलतियां कर चुके हैं, उसका क्या होगा? मां बता दे, तू कभी बिगड़ी बनती है क्या? तो ध्यान देना, बिगड़ी बनती है। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल चुका, उसका पीछा कौन करे? तूने अभी तक जो किया है सो किया है, लेकिन अब न करेगा, बस ये कसम खा ले तू आज बस। और फिर बिगड़ी कैसे बनेगी? मां धैर्य रख, तू तेरी बुराई से लोग परिचित हो चुके हैं, और जब तू अच्छा इंसान बनेगा और 10-20 साल निकल जाएंगे, तेरी अच्छाई से लोग परिचित हो जाएंगे, तो बिगड़ी कैसे बनेगी? धैर्य रखने से बिगड़ी हुई बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी धैर्य रखने से। परमात्मा किसको मिलता है? बहुत धैर्यवान जो होता है, बहुत धैर्यवान जो अभी अभी चले थे खुदा बन गए, जो अभी अभी चले थे खुदा बन गए। और हमें तो बरसों हो गए हैं, इंसान ही नहीं बन पाए हैं। एक एक बारीकी से जीवन का निर्माण करना, इसलिए जन्म होना एक अलग बात है। लोगों ने जन्म और जीवन एक ही समझ लिया है। जन्म होना ये अलग बात है, और जीवन का निर्माण करना ये अलग बात है।
जिंदगी बनाने का काम किसी औरों पे मत सौंप देना, जिंदगी बनाने का काम किसी औरों पे मत छोड़ देना, जिंदगी स्वयं को ही बनानी पड़ती है। हमारी ही मेहनत में कमी रह जाती है, हमारी ही मेहनत में कमी रह जाती है, हाथ की लकीरों को दोष मत दो, मत दो, इन्हें इल्जाम मत लगाओ हाथ की लकीरों को। हमारी ही मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिंदगी का बनाने का काम किसी दूसरे पे मत छोड़ो, ये स्वयं को बनानी पड़ती है। धीरे धीरे निर्माण करो, बस भगवान तुम्हें बदला हुआ देखना चाहता है, गुरु तुम्हें बदला हुआ देखना चाहता है। इसलिए ध्यान देना, आज का आखिरी दिन है, जीवन का परिवर्तन कर लेना। एक टिड्डा होता है, किसान लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बरसात